अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह पाक के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हैदर देख रहा है कि आज का व्लॉग स्टार्ट करें। हैदर बोलो है? क्या बोलो? बोलोगे बोलो, बोलो। हेलो फ्रेंड, खुरम भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अब तो बच्चे ने भी आप कहते लाइक करो, बल्कि लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। अभी हम जा रहे हैं एक जगह, बल्कि आज तो खुशखबरी है, वो आपको मैं वहीं चल के बताऊंगा क्या खुशखबरी है। दूसरा, तला के कॉलेज में जाना है, क्योंकि बी फार्मेसी पैरामेडिकल कॉलेज है कोई, वहाँ पे तला का एडमिशन कराना है। तो अभी चलते फिर आके आपको बताते हैं वहाँ से कितने फीस वगैरह क्या हिसाब किताब है। अभी हम बस अपने कॉलेज पहुँचे हैं, बस थोड़ी सी देर रह गई है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैम से कि कॉलेज हमारा है किस तरह का। तो व्यूअर्स, बस अभी हम अपने कॉलेज तक पहुँचने वाले हैं और ये कॉलेज आगे व्यूअर्स हमारा बिस्मिल्लाह पैरा मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज है हमारा। तो फाइनल फ्रेंड, तला के कॉलेज हुआ है, क्योंकि अंदर के आपके क्या नाम है, गुफ्तगू तो नहीं दिखा सकता था, क्योंकि आगे लेडीज़ टीचर थी जो आपसे डील कर रही थी, लेडीज़ बोल के प्रिंसिपल थी। तो कॉलेज से हम हुआ हैं, तो तला का उन्होंने बताया कि आपका 2022 से 2024 आपका बैच बनेगा। इस वक्त जो आपकी फ़ीस है वो 1,55,000, मतलब 1,55,000 फीस है, और इसमें 30,000 एडवांस और 4,000 एनुअल, मतलब 30,000 रुपये आपने एडवांस जमा कराना और 4,000 रुपये बहाना फिर जमा करानी है। अगर आप 30,000 रुपये जमा नहीं करा सकते अकाउंट, तो आप 15,000 करा सकते, 15,000 एडवांस हो जाएगा, 4,000 या 5,000 रुपये से ज़्यादा से किस्त बन जाएगी। तो अब हुआ है, जैसे कि आपको पता कि मैं कल एक और कॉलेज में गया था देखने, तो उन्होंने जो बात की थी वो सरासर गलत थी कि आपको अपना बच्चा कहीं छोटे मोटा डिस्पेंसरी बना सकता है। तो इन्होंने बताया कि नहीं, डिस्पेंसरी अलाउ नहीं होगी, वो इलीगल होगा, आपका बच्चा जस्ट क्या नाम है फार्मेसी बना सकता है, ठीक है, और इंजेक्शन वगैरह के सिर्फ ट्रेनिंग ले सकता किसी भी हॉस्पिटल में। वो कहते हम ना आपके बच्चे को लगा देंगे। ये मैम इतनी अच्छी थी, इन्होंने कहा कि 3वां बच्चा आपके पढ़े, उसके बाद 4थे माह से मैं इसकी जॉब भी लगवा दूँगी। तो 12 उन्होंने अच्छा पैकेज दे रहे थे, पर इन्होंने क्रेडिट कार्ड बात की है, उसमें इन्होंने कहा जी अगर आपका बच्चा कोई सप्ली आ जाती है, अभी तो रिजल्ट तो नहीं है ना मैट्रिक का, अगर कोई सप्ली आ जाती है तो फीस रिटर्न नहीं होगी, अगर एक साल में आपका बच्चा क्लियर कर लेता तो वायरल गुड हो जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज फीस रिटर्न नहीं होगी। व्यूअर, गाड़ी खड़ी है, तुमने सहेली मुझे कहा था यार मैंने ना गाड़ी सेल है करवा दे, ठीक है। तो अभी मैं आया था सेल के बाद, मैंने कहा गाड़ी के ना कोई तस्वीरें और वीडियो वगैरह बना लूँ, क्योंकि मैं गाड़ी पर भी लेन देन थोड़ी करता हूँ ना, तो गाड़ी आपको दिखाता हूँ। ये वाली गाड़ी है कल्टस, ये वाली कल्टस है, अगर आपको जो नज़र आ रही है सामने, ठीक है, ये गाड़ी है 11 मॉडल है और डिमांड इसकी 8 लाख है, ठीक है। बाकी सोहेल अभी घर है, अभी वो पंप पर नहीं है, तो आपको पता है इधर मेरे पीर मुर्शद का क्या नाम है मज़ार भी यहाँ पर है, तला मस्ताना नहीं होता, आस्ताना होता है, आस्ताना ही है, और मस्जिद भी यहीं पर जहाँ पर जुमा पढ़ते हैं, वैसे भी जुमा है, जुमा यहीं पर पढ़ूँगा। तो उसके बाद वापसी में इसके बाद रुकूँगा, फिर गाड़ी तस्वीर वगैरह बनाएंगे, फिर आपको बताऊंगा गाड़ी की डिमांड असल डिमांड क्या है, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं गया था पैसे निकालने के लिए, सैलरी निकालने के लिए अपनी, तो यहाँ पे आके पता चला मैं ना एटीएम कार्ड ही गलत उठा लाया हूँ। क्या एटीएम कार्ड गलत उठा लाया हूँ, फिर तुझे ऐसे सैलरी तो नहीं निकाल सकता ना कि गलत एटीएम कार्ड पर। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर जाऊँगा दूसरा एटीएम उठाऊँगा, फिर आकर सैलरी निकालूँगा और आपको फिर दिखाऊंगा सैलरी निकालते हुए क्या भाई सैलरी आई है नहीं आई, आई है तो कितनी आई है। व्यूअर्स, जुमा मुबारक, जिसने अगर जुमा पढ़ा सिर्फ उसी को मुबारक, जिसने जुमा पढ़ा है या किसी सिर्फ किसी मजबूरी के तहत नहीं पढ़ सका, अदरवाइज जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको जुमा मुबारक बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने पढ़ा उनको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अभी मैं और तलहा जो है हम जा रहे हैं अपने पीर और मुर्शिद की मस्जिद में, ये तलहा देखो, तलहा की और मेरी आज सेम ड्रेसिंग कलर, यहाँ से राइट हैंड से गाड़ी निकालने आ रहे हैं देखे। तो मैं और तलहा भी जा रहे हैं जुमा पढ़ने, व्यूअर्स आज बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ, आज चिट्टा चोला पाया मैंने,
वो क्या कहते हैं चिट्टा छोला काला साड़ी थोड़ी बल्कि फरमाइश थे सही है वो कहते काला जोड़ा पाया तो कहते चिट्टा छोला पाया थोड़ी फरमाइश आज बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ ना जैसे कपास में चिट्टे रंग का कटा घुस गया आज मैं बड़ा सोना लग रहा ओह वाह थैंक यू तुम भी कह रहे हो कि पूरा भाई वो काला है पूरा भाई तुम भी आज तो तला भी बड़ा सोना लग रहा चला बेटे आगे पानी है बस पानी आपको नजर आ रहा बिल्कुल स्लो यहाँ से निकाले राइट हैंड पे करके थोड़ा तो स्लो ही जा रहे थे आज तक गाड़ी नहीं भगानी ठीक है तो गाड़ी भगाएगा तो पानी आके तक किसी स्पीड पर लेके जा अभी टाइम पड़ा है ठीक है ना तो व्यूअर्स आज से मिलते हैं बस में जाए तो व्यूअर्स आज का जो मौसम है ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा गारा ठीक है मैं आपको ना बैक कैम से ज़रा दिखाता हूँ ऊपर का माहौल ये देखे काले काले बादल मुल्तान में काले काले बादल सीधा जाना है थोड़ा आसरे के साथ गाइस घर देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है गाइस मुझे तो घर बहुत खूबसूरत लगता है जब भी आता एक बार बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया एक बार गौर से देख लो माशाल्लाह मुझे बड़ा प्यारा लगता है व्यूअर्स खुर्रम भाई की भी चेकिंग हो रही है इनके वहां से कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे ना आपको देखे दिखाता हूँ आज ये देखें लिटरली कितनी सारी देखे पक रही है एक दो तीन चार ये नमाज जुमा के बाद यहाँ पे ना लंगर का इंतजाम है जामिया मस्जिद ईदगाह में गुम्बद को नजर ही नहीं आ रही रोशनी अब आ गया ये कहते हैं देखा कितना दूर तक जाएगा तो फ्रेंड मैं और देखे सेम ड्रेसिंग मेरा भी टेढ़े निकला पाया उसका भी टेढ़े निकला मैं और तलाम आ गया मसीह में बोल के मैं ज़रा पाँव धोलू वजू तो करके आया था जाके नमाज पढ़ते हैं युवा जुमा पढ़ लिया है ठीक है बाकी नमाज पढ़ ली तलहा भी अपनी नमाज पढ़ रहा है ये बच्चे चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे इन्हें पता है यहाँ पे चीज़ नहीं होती फिर भी चीज़ हो रही है हमारी तुम सारे बच्चों को देखा ये इसे बोलते हैं बचपन किसी चीज़ की टेंशन नहीं है किसी चीज़ का डर नहीं है अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आज लंगर का बड़ा वसी एहतमाम है हर जुमे के रोज़ बाद नमाज जुमा यहाँ पर लंगर चलता ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम है जो कि हर जुमे बाद नमाज जुमा एहतमाम होता है ये आप यहाँ पे देखें इस जगह पे देखें पक रही हैं और ये लिटरली काफ़ी सारी देखें पक रही हैं और काफ़ी सारी पक चुकी हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी फाइनली फ्रेंड मुल्तान में भी बारान रहमत शुरू हो चुकी है अभी हल्की हल्की है अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये छींटा नज़र आ रहा होगा क्या नहीं नज़र आ रहा तो अभी कोई और छींटा पर गिरता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बारान रहमत शुरू हो चुकी है क्या चीज़ व्यूवर मैं आ गया हूँ गाड़ी देखने के लिए ठीक है उसके पीछे तस्वीरें खींचता हूँ आपको भी दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी ये गाड़ी है ये शीशे पे देखें अभी बारिश हो रही है ये गाड़ी हमने लेनी है